नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग सिखाने वाला हूँ। सॉन्ग का नाम है तुम जो मिल गए हो। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और टफ भी है। म्यूजिक पार्ट काफ़ी टफ है। स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वही रिक्वेस्ट आप लोग जानते होंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग मेरे नए नए अपलोडेड वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों, ऑनलाइन कीबोर्ड पियानो सीखने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर अपलोडेड किसी भी सॉन्ग का, यदि किसी भाई को बेस्ट नोटेशन चाहिए हो तो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग का स्केल है डी माइनर, जिसका कार्ड ये रहा। तो इस सांग में प्रील्यूड नहीं है, स्थाई प्रारंभ हुआ है। देखिएगा, लाइन है तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, इतनी लाइन देखिए पहले। कि जहां मिल गया यहां पर एक फ्लूट का म्यूजिक पार्ट है। देखिएगा कैसे प्ले करना है। टाइमिंग में देखिए, फिर अगली लाइन कि जहां मिल गया, फिर एक स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट आ जाता है। देखिएगा, फिर अगली लाइन एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। इसके बाद स्ट्रिंग का एक फिलर म्यूजिक पार्ट है। देखिएगा, इसके बाद मित्रों यही लाइन रिपीट कर देना है आपको, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, वो यही प्रीलुड का म्यूजिक पार्ट प्ले कर देना है जो अभी मैंने आपको बताया कि जहां मिल गया। तो मित्रों इतना था स्थाई। तो चलिए फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं। फर्स्ट इंटरल्यूड में स्ट्रिंग और गिटार का म्यूजिक पार्ट है। तो चलिए पहले स्ट्रिंग को देखिएगा कैसे प्ले करना है। देखिएगा स्ट्रिंग का पार्ट वही है स्थाई वाला। इसके बाद गिटार का म्यूजिक पार्ट है। देखिएगा कैसे प्ले करना है। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। देखो खपा ना हो, फिर यही लाइन रिपीट कर देनी है। बैठो ना दूर हमसे, देखो खपा ना हो। अगली लाइन किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा ना हो, हो देखो हो कैसे प्ले करना है। फिर यही लाइन रिपीट कर देना है, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा ना हो। फिर अगली लाइन
मेरी क्या खता है, देखिएगा। होता है ये भी, स्ट्रिंग का फिलर म्यूजिक, फिर अगली लाइन के जमीन से भी कभी आसमां मिल गया, देखिएगा ये लाइन। वही फ्लूट का म्यूजिक पार्ट प्ले कर देना है जो अभी मैंने आपको बताया था टाइमिंग में। फिर अगली लाइन के जहां मिल गया, स्ट्रिंग का फिलर, इसके बाद हमिंग है, ठीक है। दो बार प्ले करना है। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा की बोल। तो अब चलिए सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा की बोल को सीखते हैं। सेकेंड इंटरल्यूड काफी बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ध्यान पूर्वक सीखिएगा, देखिएगा। सबसे पहले स्ट्रिंग का रन है, रन कहां से कहां तक गया है, हाई ऑक्टेव के डी नोट से और फिफ्थ ऑक्टेव यानी कि पांचवें ऑक्टेव के ए नोट तक। वन फिंगर, इसके बाद फिर अगला स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट देखिए। इसके बाद मित्रों सेकेंड टाइम रिवर्स रन आया है, जैसे कि अभी हम आगे की ओर गए थे नोट वही लगेंगे, अब क्या है ए से और डी तक आना मुझे। दो बार प्ले करना है, देखिएगा स्लोली। एक बार और रिपीट कर देना है। तो इतना था स्ट्रिंग का पोर्शन। तो अब फ्लूट का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, यह भी काफी बड़ा है, तो स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। पहला पार्ट देखिएगा, देखिएगा। फिर इसका दूसरा पार्ट, फिर इसका अगला पार्ट, फिर लास्ट पार्ट। तो मित्रों इतना था फ्लूट का म्यूजिक पार्ट। इसके बाद फिर से स्ट्रिंग का पार्ट आता है, काफी लंबा है, उसको भी स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। पहला पार्ट देखिएगा, फिर इसका सेकेंड पार्ट, फिर अगला पार्ट, इसके बाद लास्ट में रन है, रन कहां से कहां तक गया है देखिएगा, फिफ्थ ऑक्टेव के
डी नोट से और मिडिल आर्टिक के डी नोट पे फिनिश हुआ है, देखिएगा। कुछ इस प्रकार प्ले करना है आपको, स्लोली देखिए। इसके बाद गिटार का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले होगा। तो मित्रों इतना सा सेकेंड इंटरल्यूड, तो चलिए अंतरा की बोल को सीखते हैं। लाइन है, तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, फिर अगली लाइन भीगी रातों में मस्ती, तपते दिल में साया हो, फिर लाइन रिपीट हो जाएगी, तुम क्या जानो तुम क्या हो, फिर मित्रों अगली लाइन तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब तो आ गए हो, जाने ना दूंगा, यहां पर स्ट्रिंग का एक फिलर म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा। फिर अगली लाइन के मुझे एक हंसी मेहरवा मिल गया, फ्लूट का म्यूजिक पार्ट जो कि मैं दो बार बता चुका हूं, तीसरी बार बताने जा रहा हूं, देखिएगा। टाइमिंग में फिर अगली लाइन के जहां मिल गया, स्ट्रिंग का फिलर, इसके बाद दो बार हमिंग प्ले करना है, देखिएगा कौन सी, जो अभी बता चुका हूं। तो मित्रों इतना था सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा की बोल, तो चलिए थर्ड इंटरल्यूड और अंतरा की बोल को सीखते हैं। दोस्तों थर्ड इंटरल्यूड में स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट है, काफी लंबा है, स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। पहला पार्ट देखिएगा, फिर अगला पार्ट, फिर इसका लास्ट पार्ट, तो मित्रों इतना था थर्ड इंटरल्यूड, तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। लाइन है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया, स्थाई वाला पोर्शन है।
जो कि मैं आपको बता चुका हूं। फिर इसके बाद स्टिंग का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा। इतनी लाइन प्ले कर देनी है आपको, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। फिर स्टिंग का पार्ट देखिएगा, देखिएगा स्टिंग में सबसे पहले रन है, रन कहां से कहां तक गया है। सी नोट से मिडिल ऑक्टिव का सी नोट और हायर ऑक्टिव का जी नोट, लेकिन कैसे गया, बैक होके गया, ई डी इसके बाद सी से रन गया, देखिएगा। टाइमिंग में फिर इसका अगला पार्ट देखिए कैसे प्ले करना है। फिर इसका अगला पार्ट, फिर नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट इस पार्ट को रिपीट कर देना है। जितना मैंने पार्ट आपको बताया, ये सारा पार्ट आपको दो बार प्ले करना है। लास्ट में ये लास्ट वाला पार्ट नहीं प्ले करना है, कौन सा, ये वाला। तो इतना था स्टिंग का म्यूजिक पार्ट, इसके बाद फ्लूट का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा कैसे प्ले करना है। फिर इसका अगला पार्ट, देखिएगा अगला पार्ट, इसके बाद मित्रों ऑर्गन का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले करना है। पहला पार्ट देखिएगा, फिर दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट, तो मित्रों इतना था थर्ड इंटरल्यूड। तो चलिए थर्ड अंतरे के बोल को सीखते हैं। लाइन है, तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। फिर यही लाइन रिपीट करनी है, तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा, आपको रिपीट कर देना, एक बार और प्ले कर देना है। फिर अगली लाइन, था अजनबी जवाना अपना कोई न था। फिर यही लाइन रिपीट होगी, लेकिन लास्ट में था कैसे प्ले होगा देखिएगा। Thank you.
यहीं पे रुक गया सी नोट पे। फिर अगली लाइन, दिल को जो मिट गया है तेरा सहारा, देखिएगा। स्ट्रिंग का फिलर। अगली लाइन, एक नई जिंदगी का निशा मिल गया। स्ट्रिंग का फिलर। इसके बाद स्थाई वाली लाइन आपको प्ले कर देना है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। इसके बाद स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट है, उसको देखिएगा कैसे प्ले करना है। देखिएगा मित्रों, स्ट्रिंग का रन है फॉरवर्ड रिवर्स। कुछ इस प्रकार प्ले करना है, स्लोली देखिए वन फिंगर से। इसके बाद स्थाई वाली लाइन आ जाएगी, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। चलिए देख लीजिएगा। यहां पर स्ट्रिंग का एक फिलर म्यूजिक है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। स्लोली इसके बाद मित्रों स्थाई वाली लाइन आ जाएगी, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। इसके बाद स्ट्रिंग का रन है, रन कहां से कहां तक गया है, मिडिल ऑक्टेव के डी नोट से और हायर ऑक्टेव के ए नोट तक, देखिएगा किस प्रकार। वन फिंगर से देख लीजिए। इस पार्ट को हम लोग ऐसे भी प्ले कर सकते हैं क्योंकि सारे व्हाइट की आ रहे हैं। फिर इसके बाद लाइन है कि जहां मिल गया, फिर से स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा कि जहां मिल गया। चलिए देख लीजिएगा। इसके बाद स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट देखिए, देखिएगा स्ट्रिंग का रन है। वन फिंगर से बी पे रुक जाता है आके। इसके बाद मित्रों लास्ट में फिर स्ट्रिंग का फॉरवर्ड और रिवर्स रन है मिडिल ऑक्टेव के डी नोट से और आपको हायर ऑक्टेव के ए नोट तक जाना है और रिवर्स में वापसी में जी नोट से लेके और मिडिल ऑक्टेव के डी नोट तक आना है। आप ऐसे भी प्ले कर सकते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया था। दो बार प्ले करना है। चलिए वन फिंगर से देख लीजिए। फिर यहां से वापस जी से इतना पार्ट आपको रिपीट करना है, दो बार प्ले करना है, देखिएगा।
तो मित्रों ये था ये सॉन्ग, ये सॉन्ग किसी भाई ने रिक्वायरमेंट किया था, पे करके ट्यूटोरियल इसका रेडी करवाया है, तो उन भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो मित्रों इतना था ये सॉन्ग, आशा करता हूँ ये ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा टफ सॉन्ग है, प्रैक्टिस करेंगे, ध्यानपूर्वक गाना सुनिएगा और मेरा वीडियो देखिएगा, टाइमिंग में प्ले करिएगा। दोस्तों इस सॉन्ग का किसी भाई को बेस्ट नोटेशन चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो पे आ ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।